एक्सपेक्टेशंस तो पूरी हो चुकी है इस फिल्म में, क्योंकि मैं न्यूयॉर्क में इस फिल्म को देख चुका हूँ। ये फेस्टिवल में गई थी और उस फेस्टिवल में मेरी फिल्म भी गई हुई थी और ये मैंने फिल्म वहाँ देखी और मुझे बहुत मजा आया। और मैं तो हर एक को ये कहना चाहूंगा कि ये फिल्म जरूर देखे, बिकॉज ये बहुत ही लाइट हार्टेड और एक बहुत ही अच्छे मैसेज के साथ ये फिल्म है। इट्स अ वेरी ह्यूमन फिल्म बट एट द सेम टाइम इट इज वेरी फनी एंड वेरी एंगेजिंग। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली आई थिंक आई विल गो अगेन एंड सी इट बाइंग द टिकट्स। एक बात तो ये कि ये फिल्म जो है वो बहुत ही करंट टॉपिक के ऊपर है। देखिए, हम लोग रिसेशन से होकर अभी निकले हैं और रिसेशन में जैसा हम लोग जानते हैं कि कितने लोगों ने अपनी जॉब खोई, अपना इकोनॉमिक बैलेंस पूरा बिगड़ गया और उसका इफेक्ट हिंदुस्तान जैसे, जबकि रिसेशन हिंदुस्तान से स्टार्ट नहीं हुआ था, वो अमेरिका से स्टार्ट हुआ था। तो किस तरीके से वर्ल्ड इकोनॉमी में अमेरिका वर्क्स और किस तरीके से वो एक ह्यूमन लेवल पर यहाँ पर जो कि गुंडे जैसे, जिसमें जो संजय मिश्रा ने जो कैरेक्टर किया है कि मतलब एकदम देहात के गुंडे हैं, उनको भी रिसेशन ने किस तरीके से मारा हुआ, एंड दैट्स रियली फन। आई थिंक एवरीबडी इज फैबुलस इन द फिल्म। रजत हमेशा ही बहुत अच्छे होते हैं इस फिल्म में, बहुत ही अच्छे हैं वो। इज वन ऑफ माई फेवरेट।